तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक परचेज़ किया LG का UHD TV जो कि 43UR75 है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं न्यू 2023 का मॉडल लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी मैं परचेज़ किया है 2024 का, मैं जो कि अभी मार्च का महीना है 2024 में। और यहाँ पर भैया देख सकते हैं आए हैं रिलायंस से, जो कि यहाँ पर TV का इंस्टॉलेशन करने आए हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये रिलायंस की तरफ से मैंने TV परचेज़ किया है और ये इन्हीं की तरफ से इंस्टॉलेशन वाले आते हैं, LG की तरफ से नहीं आते, ये रिलायंस की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो ये आए हैं और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो फिर LG वाले अलग से आते हैं, उनको आपको अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो शायद वो डिली वो आपके चार्जेस लेते हैं। और रिलायंस से मैंने परचेज़ किया, ये लोग चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग आपका इंस्टॉलेशन फ्री देते हैं। तो यहाँ पर अभी TV देख सकते हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसे अनबॉक्स करा रहा हूँ। तब तक जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल अगर ग्रोथ होगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। और अगर मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ये TV आप लोग को गिव अवे कर दूँगा, ठीक है। तो 1 लाख अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर करा देते हैं तो आप लोग का ये पक्का TV आपको किसी एक पर्सन को जो सिलेक्टेड होगा उसको ये TV गिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसका अनबॉक्स किया हुआ हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक USB है, पेन ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है HDMI का, और LAN का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें डायरेक्ट इंटरनेट लगा सकते हैं दोस्तों। और आगे ये देख सकते हैं, आपके पास दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक USB है, एक HDMI है और एक इंटरनेट का ऑप्शन है। और भी पोर्ट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर भी HDMI का एक एक्स्ट्रा पोर्ट दे रखा है और 2 USB पोर्ट और हैं, तो इसका मतलब आपको 3 USB पोर्ट मिल जाएंगे और 2 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑडियो वीडियो का भी इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है, ये भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं पीछे अडाप्टर लगा रहे हैं और यहाँ से अभी आपका TV जो कि प्लग कर रहे हैं और इसमें ऑन करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं अभी मैंने TV यहाँ पर अभी मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये अभी ऐसे चेक करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन किया, ये देख सकते हैं इन्होंने, तो ये देख सकते हैं WebOS लिखा भी है भाई। यहाँ पर इंस्टॉलेशन का मतलब कि सेटअप करेंगे TV का, तो जैसे जैसे अपना करेंगे मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर और भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने TV कैसे पहले सैमसंग का भी अनबॉक्सिंग की थी, काफ़ी आप लोगों ने उसमें भी प्यार दिया है। अभी मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको सैमसंग और LG का दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा TV दोनों में कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि तब तक मैं यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसको इंस्टॉलेशन मतलब हो रहा है इसका, और अभी TV देख सकते हैं पेयर करने का आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर TV रिमोट पेयरिंग का ऑप्शन आ गया है, मतलब कि यहाँ पर जो इसका रिमोट है वो यहाँ पर इसका मतलब पेयर है ऑलरेडी, मगर व्हील ये देख सकते हैं इसे मतलब कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भैया सेटअप कर रहे हैं इसका, तो इसको सेटअप होने देते हैं। ये देख सकते हैं आगे का ऑप्शंस और आ गए हैं, जैसे जैसे देख भाई सेटअप कर रहे हैं उसे आगे मैं कोशिश करूँगा जल्दी से सेटअप कंप्लीट हो जाए और हमारा TV ऑन हो जाए, मैं आपको दिखा सकूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड योर LG TV। तो ये दोस्तों बताना चाहूँगा ये WebOS है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो जिनको अगर WebOS अच्छा लगता है तो उनके लिए TV अच्छा होने वाला है। और इस TV में देख सकते हैं इसका जो कि आपकी पिक्चर क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कैसी पिक्चर क्वालिटी, इसको आप देख कर हो सकता है कि आपको इसमें वीडियो में समझ में आ जाए कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं इसके पिक्चर क्वालिटी, देख सकते हैं इसका जो मेन्यू है कुछ इस तरीके से इसमें आता रहता है, क्योंकि इसका रिमोट जो है वो मतलब एक तरीके से माउस की तरह होता है, ठीक है। तो ये माउस की तरह रिमोट है, ऐसे ऐसे आप मतलब रिमोट को किसी भी एंगल पे ले जाएंगे ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बढ़ता है, ये किसी बटन से नहीं हो रहा, आपको बस ऐसे रिमोट ऐसे ऐसे अपने हाथ से शेक करना है, जहाँ जहाँ शेक करेंगे जिस डायरेक्शन पे आपका माउस जाएगा उस डायरेक्शन पे रिमोट चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पर आपने मैंने गाना प्ले करके आपको दिखा दिया। अभी मैं कोशिश करूँगा कि अभी यहाँ पर लाइट जल रही है, अभी इसको अंधेरे में भी आपको एक थोड़ा सा सीन दिखा दूंगा कि आपको अंधेरे में भी कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, मुझे देखने में अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर अभी मैं देख रहे हैं कि आज का मेन्यू मैं आपको कोशिश करूँगा, हर मेन्यू आपको इसका दिखा सकते हो, देख सकते हैं कैसा है आपका मेन्यू। तो हर चीज़ यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं वेब में कैसा मतलब
जो फील है वो काफ़ी देखने के लिए अच्छा मिलता है यहाँ पर। और मैं अभी एलईडी सैमसंग का टीवी एक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका पहले मैंने अनबॉक्सिंग किया, पर नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, वो टीवी भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिमोट है एलजी का, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कीज दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं रिमोट का जो थोड़ा सा साइज है काफ़ी मोटा देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग रहा, सैमसंग के अंदर मोटा रिमोट देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लाइट बंद करके यहाँ पर आपको पीछे पढ़ के देख सकते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कर।